मेरे सीने में जल रही आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक मैं एक एक गुनहगार को उसके आखिरी अंजाम तक नहीं पहुंचा दूं। इसलिए सर, आपका यह सच्चा सिपाही अपनी सच्चाई का वास्ता देकर अपना डिमोशन चाहता है। परमिशन ग्रांटेड। मैं और पूरी पुलिस फोर्स तुम्हारे साथ है। गुड लक। इस लड़ाई में मैं भी आपका साथ देना चाहती हूँ, ताकि स्कूल में बच्चों को पढ़ाते वक्त उन्हें आपका उदाहरण दे सकूं, उन्हें ये बता सकूं कि आज भी इस दुनिया में आप जैसा बहादुर सिपाही मौजूद है। बस मिली जी, मैं भगवान नहीं बनना चाहता, अब तो सिर्फ एक ही मकसद है, मौका, समय और शिकार, बास की तरह। कमाल का चश्मा है ये। सिर्फ चश्मा ही कमाल का है या चश्मे वाली भी? चश्मे वाली का तो जवाब नहीं। ऊपर से नीचे तक कयामत, बिजली, क्या ये बिजली मुझ पे गिर सकती है? बिजली तो किसी न किसी पर गिरेगी ही, पर तुम्हें जलने से डर नहीं लगता? परवाना तो जन्म जन्म से शमा से जलता आया है, पर वो डरकर फिर शमा के पास ना आया हो ये तो मैंने नहीं सुना। वेरी इंटरेस्टिंग। फिर तो ये बिजली आज तुम पर ही गिरेगी, तो देखे शमा आज परवाने को जलाती है या फिर परवाना खुद आग में जलकर खाक हो जाता है। ऊपर ही मेरा सूट बुक है। तो फिर लिफ्ट कहाँ है? ऊपर लिफ्ट जल्दी पहुंचाती है, तो चले चलिए। अरे ये लिफ्ट नीचे क्यों जा रही है? मुझे लगता है किसी ने बेसमेंट का बटन दबा दिया होगा। यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है लिफ्ट खराब हो गई है। सीढ़ी से चले। विशाल, तुम यहाँ? पहचान तो इसे। दूध के दांत अभी टूटे नहीं और जवानी जोश मारने लगी। छोड़ दो मुझे। किसी ने सच कहा है कि नाक के बिल में फूल नहीं खिलते, सपोले जन्म लेते हैं। तुझ जैसा नाक जो बड़ा होकर अजगर बनेगा, तो न जाने कितनी मासूम बहनों को डसेगा। उसका फन कुचल देने में ही समाज की भलाई है। मामा तो कलयुग में भी कंस नहीं बनेगा, जिंदगी भर भांजे की नौकरी करेगा। मेरी बात मान, खड़े शमशान के पीछे लूट का माल पड़ा हुआ है, उसे लूट ले और खुद का निजाम बना ले। और एक बात सुन, शमशान में भूत की तरह जाना और भूत की तरह माल लेकर वापस आना, और यह भूत का झोलझाल किसी को नहीं बताना। जा। रुकावट सिंह जी, आपके काम में खेत डालने वाले का पता हमको चल गया है।
यानी कि हमारा लूट का माल हमें वापस मिल जाएगा। लूट का माल और लुटेरा भी। आप अपनी गाड़ी में बैठिए और 1,80,000 की रफ्तार में मेरे बताए हुए पते पर पहुंच जाइए। सब छोजाल ठीक हो जाएगा। लेकिन पहुंचो कहां? अरे पता तो बताओ। खड़े शमशान के पीछे। खड़े शमशान के पीछे? अरे वहां को भूत भूत तो नहीं होगा? भूत की तरह नजर आएगा। तक कोई राजा नहीं बना है, जिंदगी भर के लिए भिखारी हो गया है। रुकावट सिंह जी, मैं तो रुपए लेकर आप ही के पास आ रहा था। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है, मैं एक अच्छा इंसान हूं। इंसान थे तो बड़े गंदे थे, भूत बन गए तो बड़े जच रहे हो। एक काम करो, भूत की नगरी में ही आराम करो। इस लाश को विष्णुमोहन को भेंट में दे दो। नमस्कार। नमस्कार। माफ करना इंस्पेक्टर, आज जरा मैं जल्दी में हूँ, फिर किसी दिन मिलना। अफसोस कि आप जा नहीं सकते। क्या बकवास कर रहे हो इंस्पेक्टर? हर महीने मिलने वाली नोटों की चमक ने तुम्हें पागल कर दिया क्या? जी नहीं। ये फूल किस खुशी में? अभी पता चल जाएगा। मिश्रा जी, किसने इसका कत्ल किया है? कौन है वो गद्दार जिसने अपनी मौत को दावत दी है? रुकावट सिंह। रुकावट सिंह? आस्तीन के साथ, दोस्ती के साथ गद्दारी की है? जानते हो इसका अंजाम क्या होगा? भयानक तबाही। शांति शांति, पहले इसका क्रियाकर्म तो कर लो। नमस्ते रुकावट सिंह जी। आओ इंस्पेक्टर आओ, विष्णुमोहन के मामा की मौत का जश्न मनाने आए हो? जी जी, मैं तो यहाँ अब मातम मनाने आया हूँ। मातम? मातम किस बात का इंस्पेक्टर? जश्न मनाओ जश्न, जैसे हम मना रहे हैं अपनी पहली वार की कामयाबी का, जो हमने दोस्ती के नाम पर दुश्मनी करने वाले की पीठ पर किया है। लेकिन इंस्पेक्टर, अगला वार छाती पे होगा। डिचो डिचो डिचो। ठीक है, आप कहते हैं तो मैं मातम की जगह जश्न मनाता हूं। लेकिन पुलिस स्टेशन में तो खबर है कि कोई आपके भाई की मौत का जश्न मना रहा है। अरे मर गया हमारे भाई की मौत पर जश्न मनाने वाला,
बात करता है। जरूर मर गया होगा, क्योंकि कोई ना कोई तो मरा जरूर है। बहुत बड़ा झोल जाल है साहब, कुछ बदबू आ रही है। इसी में से बदबू आ रही है साहब। बात करता है, नोटों की खुशबू को बदबू कह रहा है। ये देख, इतने नोट जितने कि तूने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। ये देख, देख। विष्मोहन, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। विष्मोहन ही नहीं, साथ में सुल्तान भी। सुल्तान,